मैं तो आंटी रो रही थी तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया। हस्बैंड शायद कॉफी लेने के लिए गए होंगे। हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे गेट रेडी विद मी वीडियो और हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लोगों को गोस्ट करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना अगर एंड ऑफ द डे आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर मेरे साथ शेयर करना। जल्दी से शुरू करते हैं। एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए क्योंकि आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं चिट चैट करके मेकअप वीडियो बनाऊँ। मेकअप के कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं, वो टेस्ट नहीं करेंगे एक्चुअली नए शेड्स हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ उसको ट्राई करने के लिए। ऑलरेडी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स ही हैं वो। आज मैं क्यों तैयार हो रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए क्योंकि बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं हमेशा। हम लास्ट मुझे लग रहा है 2 ईयर्स से हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया है क्योंकि लास्ट टाइम हम मूव कर रहे थे एंड पिछले साल हम इंडिया में थे पिछले दिसंबर। सो इस बार बहुत एक्साइटेड है, मैंने नया ट्री खरीदा है, ऑलरेडी आ चुका है। मुझे चेता पोल लेना कि मैं कौन कौन से स्टेप करती हूँ। हम सारे स्टेप करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, प्यारा सा सिंपल सा लुक तैयार करेंगे। शांति का ऑरेंज कंसीलर लेते हैं, डार्क सर्कल्स पे लगा लेते हैं सबसे पहले क्योंकि मेरे ना डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थोड़ी शुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत प्यारी नींद नहीं आती है मुझे फॉर सम रीजंस। वो मेरी एक्चुअली मेडिकेशन का इफेक्ट भी है एंड मेरे यहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन है, उसको भी ढक लेते हैं। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे लोगों को गोस्ट करना है। गोस्ट करना होता है कि आप किसी को एकदम से बात करनी बंद कर देते हैं, उसको गोस्टिंग कहते हैं। पर हाँ, एक्चुअली हमें वैसा नहीं करना है, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ऐसे करना है। एक और प्रॉब्लम है मैं ना मेकअप ब्रशेस डाउन स्टेयर लेके गई थी वॉश करने के लिए, अभी तक मैंने वॉश नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी मैं। सो पहले करवा चौथ था, फिर मेरी एनिवर्सरी थी, फिर दिवाली थी एंड उसके बाद हमने कई गेस्ट को बुलाया था अपने घर पे डिनर के लिए, जिसकी प्रेपरेशन करते करते मैं बहुत ज़्यादा कमली हो जाती हूँ। एंड ब्रशेस को मैंने धोया नहीं है, फ्यूचर में जल्दी धोएंगे उनको। सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मॉर्फी का ब्यूटीफुल सा ब्रश क्योंकि मेरे सारे ब्रशेज नीचे हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं मेरे खुद के ब्रशेज यूज़ करती हूँ, सारे गंदे हैं। थोड़ा सा सेट होने देती हूँ नॉर्मली मैं क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी कवरेज आती है। समय हुआ है 2:50 एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाए एंड देन हम ट्री को डेकोरेट करें। आज हिम्मत की छुट्टी, फॉल की वेकेशन चल रही है उसकी। सो ये है इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अपने बारे में चीज़ें हर एक बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये आप जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हर एक बंदा डिज़र्व नहीं करता है आपके बारे में जानना। उसके पीछे कितने सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है कि नोबडी केयर्स कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, स्पेशली ब्लेसिंग्स और या फिर जब आप अच्छा करते हैं, वो तो बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट में लोग हैं जो इस चीज़ से खुश होंगे कि आप अच्छा कर रहे हो। ज़्यादातर लोग अनहैप्पी एंड दुखी होंगे एंड दुख पर ही निकलेगी उनके अंदर से जब उनको पता चलेगा कि आपको सब कुछ बहुत मज़ेदार मिल रहा है। सो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके बारे में बेस्ट नहीं चाहते हैं फॉर सम रीजंस। उनको लगता है कि अगर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी तो उनकी चीज़ों में रब कटौती कर देगा। रब कहेगा कि यार मेरे पास तो NIC अब मैंने उसको दे दिया, तुम्हारे लिए तो मेरे पास बचा ही नहीं। बल्कि ऐसे कभी भी नहीं होता है, हर एक को उसके हिस्से की चीज़ ही मिलती है और ऐसा नहीं है कि उसको मिल जाएगा तो आपके हिस्से का ख़त्म हो जाएगा। पर वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं, उनका दिल टूट जाता है जब आपको अच्छी चीज़ें मिलती है। आई नो कि आप बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं एंड बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनको हर कुछ बताना होता है पर हर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये टू फेस का बॉन दिस वे कंसीलर लिया है। अर्लियर जो मैंने लिया था वो मेरे स्कार्स को कंसील करने के लिए लिया था, पर वो थोड़ा गोल्डन येलोइश बेस्ड है और मुझे मेरे चेहरे पे काफ़ी पीला पीला लगना शुरू हो जाता है। पर वो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू के साथ मिक्स करके। पर इस बार मैंने इसको लिया है हाईलाइट करने के लिए क्योंकि अर्लियर मैं शेप टेप का यूज़ कर रही थी, उसको मैं दोबारा से खरीदना चाहती थी पर वो 6 मंथ्स में एक्सपायर हो जाता है एंड ये 1 ईयर में, एंड इसकी फार्मूला बहुत ही प्यारा है। अभी मैंने शेड लिया है लाइट बेज, सो इसको हम हमारे फेस को हाईलाइट करने के लिए लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये ओवर द टॉप वाइट नहीं है, सही है मेरे चेहरे पे। आपको मैं बताना भूल गई कि मैंने ना फाउंडेशन नहीं यूज़ किया, मैंने सारे कंसीलर ही यूज़ करूँगी आज मेरे ख्याल से। सो मैं मेरे स्कार्स को कवर करने के लिए मैंने NYX का ये बेयर विद मी कंसीलर यूज़ किया है, सिरम कंसीलर दिस गाय, इसकी पिक्चर शेयर करूँगी मैं। ओके, इस शेड का नाम है मीडियम।
अच्छा प्यारा ब्यूटीफुल शेड है। और ये हाईलाइटर कंसीलर को मैं थोड़ा सा भाई आईज़ के ऊपर भी लगा लेती हूँ। मेकअप को वैसे मैं बेसिक से ही रखना चाहती हूँ, सो या देखते हैं क्या, क्योंकि जब मैं बातें करती हूँ ना तो मुझसे मेकअप बहुत मज़ेदार सही तरीके से नहीं होता है। और या विल ट्राई। बता रही थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको चीज़ें मिलेंगी तो उनके हिस्से की कम हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है कि हर एक को हर एक के हिस्से की सामान मिलता है, राइट? ऐसा है कि अगर वो जो चीज़ें चाहते हैं उनको नहीं मिल रही हैं एंड आपको जो चाहिए वो आपको मिलता जा रहा है तो उनको बैड फील होगा। फॉर सम रीज़न ये बताने में अजीब लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड, पर ये है कि जब आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं या फिर आपके हिसाब से नहीं मिलती तो उन बंदों को एक किस्म की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एटलीस्ट अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो ये तो अच्छा हो रहा है कि आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लाइक एक ना दूजे को नीचा दिख के, फेलियर को देख के कई लोगों को सेटिस्फेक्शन फील होती है कि थैंक गॉड कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, कि एटलीस्ट इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। सो इसलिए अगर आप उन ऐसे सोच वाले बंदों को अपने सक्सेस के बारे में, अपनी प्राप्तियों के बारे में, या आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या आप सही कर रहे हो बताते हो, तो ऑब्वियसली उनको बैड फील होगा, क्योंकि उनको एक तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। सो वो आप उनसे सेटिस्फेक्शन खो लेते हो, उनको दुख दे देते हो, उस टाइम तो वो कह देते हैं कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया सही है, पर अंदर से वो टूट जाते हैं। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक्चुअली इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कम लोग होंगे ऐसे जो आपकी सक्सेस से खुश होंगे, बहुत ज़्यादा इनमें से होंगे, स्पेशली आपके पेरेंट्स होते हैं जो आप कुछ हासिल करते हो तो खुश होते हैं, उनके बिना लाइक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो मैं मेरे फेस को कॉन्ट्रोल करने वाली हूँ ये लॉरियल का इन्फेलेबल ब्राउन्जर, इसका शेड है टैन। ये एक रैंडम ब्रश मुझे मिला है, इसी के साथ कर लेते हैं। चिक बोन को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा ये हेयरलाइन को, क्योंकि चिट्टी चिट्टी हो गई है। सो कुछ लोग होते हैं, कई अन्य प्यारे दोस्त होते हैं जो आपको यू नो पुश करते हैं और खुश होते हैं कि यार इसके साथ अच्छा हो रहा है, या वो फील्ड फील करते हैं आपकी खुशी को देख के, यू नो फुलफिल सा फील करते हैं कि यार ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर हिम। बहुत ज़्यादा कम, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे बंदे जो होंगे, एक कद्दा ही होगा, गिन के देख लें अभी। तो ये मैंने खूब सारा लगा लिया है, अब ये फाउंडेशन ब्रश के साथ ही इसे थोड़ा सा स्मज कर देते हैं जो कि थोड़ा बेटर लगना शुरू हो जाए। अगर आपके पास ऐसे कुछ बंदे हैं, एक दो भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि वो आपको बूस्ट करते हैं, आपके लिए हैप्पी फील होते हैं, आपके लिए प्रेयर भी करते हैं कि आपको और सक्सेस। सो आप अपने आप को लकी बंदों में काउंट करें अगर आपके पास कुछ ऐसे बंदे हैं। आपको क्या करना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से जो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो वैसे फील नहीं होने देंगे कि वो आपके बारे में अच्छा चाहते हैं या नहीं। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सेम ही कैटेगरी में काउंट करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करें। मिलानी का लुमिनोसो ब्लश लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये, ब्राउन स्किन पर जरूर से ट्राई करें। ओके, सो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे लगा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लोगों के पास होगी उतना ही वो आपके लिए पावरफुल होंगे, उतना ही वो आपका डैमेज कर सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों को आप सीक्रेट रखें, जितनी कम इन्फॉर्मेशन होगी उतना वो लेस पावरफुल होंगे। कई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सी चीज़ें अपने दोस्तों को बता देते हैं ये सोच के कि वो मेरा दोस्त है, पर उसके और भी आगे दोस्त होते हैं, वो उनको बता देता है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन कम होगी किसी के पास आपके बारे में, उतना ही वो वीक होंगे। सो उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी की ज़रूरत है, फालतू चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मत दें। तो मैक का पाउडर फाउंडेशन यूज़ करते हैं, ये मेरे ना चेहरे पर डार्क है थोड़ा, ये NC42 है, मैंने 35 लिया है, वो भी थोड़ा सा डार्क है, पर मैं क्या करती हूँ ब्रश पे थोड़ा सा न न न टैप करके स्कार एरिया को हाईलाइट थोड़ा सा और कवर कर देते हैं ताकि लंबे समय तक वैसे रहे। इसी से मैं मेरे आईलेट को कर दूँगी, थोड़ा पेस बन जाएगा एंड थोड़ा थोड़ा ब्रश हर पास से कमा देंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो चेहरा है वो ऑयली है, थोड़ा ज़्यादा बार सनी हो गया है। सो मैंने मेरे आईब्रोज को फिल कर लिया, उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये लॉरियल का ब्रो जेल, ज़्यादा आ वाला मिट चुका है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई। अभी आई लुक को भी थोड़ा सिंपल ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ना एक आजकल पता क्या कर रही हूँ, ये जो ब्लश मैंने यूज़ किया ना, इसको ये बड़े सारे ब्रश पे लेके, जिससे मैंने ब्लश लगाया सिमोर का ब्रश है, अगर आप खरीदना चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास मेकअप ब्रशेस की किट है जिससे आप पूरा लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, ज़रूर से ख़रीदें। आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ख़रीद सकते हैं ये क्रिसमस सीज़न। सो इसे मैं ना ऐसे ऐसे डैप डैप कर लेती हूँ मेरी आईलेट पे, इससे मेरी आईज़ बहुत ही प्यारी शिमरी सी शाइनी सी हो जाती है, जो आपको दिख नहीं रही है क्योंकि तो पागी बार एकदम। सो मैं ब्राउन्जर लेके एक फ्लफी ब्रश लूँगी, मैं सारी क्रीज में कलर कर लेती हूँ। ये ब्राउन्जर का कलर अच्छा है। सो यहाँ पे लगा के थोड़ा बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ मैं, थोड़ा अंदर की तरफ, एंड यही ब्रश को मैं
दोबारा से नहीं मैं प्रोडक्ट लेने वाली हूँ, आई लुक कम्प्लीट होगी मेरी इस तरह। ये ब्राउन्जर वाला शेड ही मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेती हूँ। सो मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा मैं लैंकॉम का यूज़ कर रही हूँ आजकल, बहुत ही प्यारा सा मस्कारा है ये। एंड यू कांट सी मी एनी मोर। हो सकता है कि आपका जो प्रेफरेंस हो वो पीपल प्लीजिंग हो और आप लोगों को प्लीज करना आपको बहुत अच्छा लगता हो। ये एक्चुअली एक किस्म की वीकनेस होती है कि आपको लोगों को प्लीज करना अच्छा लगता है और आप लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपने बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करें, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो आपको नहीं पसंद करेंगे क्योंकि यू नो पीपल प्लीजर लोग किसी को भी नहीं अच्छा लगते हैं। वो आपको क्यों अपनी उसमें अपनी टीम में शामिल नहीं करने वाले। जितना आप क्लोज्ड बुक होगे, जितना आप यू नो सीक्रेटिव होगे, जितना आप जिसके जो जितना आप कम बताओगे उतना आपको जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आप इस किस्म की औरत हैं जो बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करती है दुनिया में, या आपने यू नो आपकी आपका जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, या अपने घर में भी आप हाउस वाइफ हैं पर बहुत ही अमेजिंग है, आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे। अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहेंगे वो। अगर आप नहीं बताओगे तो आपके फ्रेंड से पूछेंगे, आपके आसपास से पूछेंगे, वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन पावर है और वो आपके बारे में पावर इकट्ठी करना चाहेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं समाज में, लाइक यू नो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फिर लोगों को चाहिए कुछ उसको नीचे खींचने के लिए क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई होप आप मेकिंग सेंस, कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर आप थोड़े स्पेशल हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो सीक्रेटिव होना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू नो हम लोग सोशल एनिमल हैं, हमें अच्छा लगता है कि सारे लोग आप ही की बात करें, आपको पसंद करें, आपके बारे में आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो चिंता मत करें दोस्तों, आपको लोग पसंद करेंगे इसलिए कि आपने आपकी प्रेजेंस में उनको कैसे फील हुआ, कितना अच्छा फील कराया आपने उनको, कितने काइंड थे आप, कितना अच्छा जेस्चर था आपका, इससे ही वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। आपके बहुत ही ज़्यादा डीप डार्क सीक्रेट जानने से वो आपको ज़्यादा पसंद करना नहीं शुरू करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। सो अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप चीज़ें ज़्यादा इसलिए बताते हैं कि लोग आपको पसंद करें, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं निक्स का लिप शेड लगाने वाली हूँ। वार्म अप है ये जम्बो जो स्टिक है। लिप्स को मुझे ना स्टेन करना ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा ऐसे पिक्चर परफेक्ट लिप्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। मेकअप मेरा ऑलरेडी हो चुका है सारा, मैं सिर्फ लैशेज लगाने वाली हूँ। लैशेज आपको स्पेशल ओकेजन पे लगानी चाहिए, रोज भी लगा सकते हैं, आही मर्जी है। लिप्स पे ऐसे लगाएं कि दंदों में ना लगे लुक। तो लोगों को ऐसे लोगों को प्लीज ही क्यों करना चाहते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि कौन है, कैसे हैं और आपको कोई बेनिफिट दे भी सकते हैं या नहीं। आप एवं पीड़ को प्लीज करने में लगे हुए हैं और पता भी नहीं है आपको केड़ा बंदा कहाँ से आया है और केड़े बंदे की वैल्यू कैसी है, वो आपको कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपकी लाइफ में कितना वो बेनिफिट ऐड करने वाला है या आपको इम्प्रूव करने के लिए कितनी हेल्प करने वाला है, आपको कुछ पता नहीं है। बस आप लग गए हैं ओवर शेयर करने के लिए कि ओ माय गॉड मैं सबका फेवरेट बन जाऊँ। पीपल आपके दोस्त बनना नहीं चाहेंगे जब आप ओवर शेयर करते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि ओके आपको एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ, मैं जब किसी से मिलती हूँ, आपको पता है मैं वर्गो हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, और मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे फील कराऊँ कि एक्चुअली मैं बहुत मिलना चाहती थी आपसे। सो इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती हूँ हर एक बंदे की लाइफ के बारे में, क्या करते हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या स्टडी की है, फैमिली में कौन है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, फिर उनको पता चल जाएगा जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत क्लोज्ड रहते हैं, लाइक जिन्ना आप पूछेंगे उन्ना ही बताएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिससे एक चीज़ पूछो वो 10 और बता देते हैं, बहुत ही ओवर शेयर करते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि ओवरसीज जो लोग रहते हैं ना, उनके पास बातें करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, अगर उनसे कोई उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ओवर शेयर करते हैं, बिकॉज बोलने का मन करता है एंड कोई सुन नहीं रहा है, आज कोई सुनने के लिए मिला है तो बहुत चीज़ें बताएंगे। सो इससे पता चल जाता है जब आप ओवर शेयर करते हैं कि आपको अपना गूढ़ा फ्रेंड बनाने की ज़रूरत है या नहीं, मतलब पक्का पक्का दोस्त, क्योंकि ओवर शेयर करने वाला बंदा वो आज ओवर शेयर कर रहा है वो कल फिर से करेगा, आपके सीक्रेट भी ओवर शेयर होंगे। सो ये अगर आपको लगता है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर देंगे ओवर शेयर करके कि ओ माय गॉड आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन एंड हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, नहीं है, ये उल्टा भी हो सकता है। ओवर शेयर करने वाले को बहुत सारे लोग अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते हैं, डर जाते हैं कि ये हर कुछ ओवर शेयर कर देगा। ओवर शेयर करना ना दोनों बंदों के लिए अनकंफर्टेबल होता है, आपके लिए भी और उस बंदे के लिए भी जिससे आप ओवर शेयर कर रहे हैं। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप इन्हें ज़्यादा
ज्यादा पक्के फ्रेंड नहीं है या इतने ज्यादा एक दूसरे को जानते नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा सीक्रेट वाली बातें आपसे करनी शुरू कर दी उन्होंने या रोना शुरू कर दिया, भी अनकंफर्टेबल होते हैं एंड अगले वाला भी हो जाता है कि कैसे रिस्पॉन्स करूँ। कई बार आप इतनी ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा डीप डार्क सीक्रेट बताना शुरू कर देते हैं और अगले बंदे को भी पता नहीं चलता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और जब भी ऐसी कन्वर्सेशन होती है और आप जा रहे हैं और आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने बहुत ज्यादा नहीं बता दिया और आपको बैड फील होता है कि यार मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, अगर आपके साथ ऐसा होता है सो ये रेड फ्लैग है कि आप ओवर शेयर करते हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक और छोटा सा किस्सा बताती हूँ आपको। एक बार हम शायद मैक्सिको जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठे थे, मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा सन एंड एक पंजाबी आंटी आई। जब पंजाबी आंटी अकेली होती हैं, बहुत सारी पंजाबी आंटियों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, राइट? तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं ना उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती हूँ कि आंटी तो नोए तो नहीं चाहिए ऐसे, मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ऐसे होता है मेरे साथ। एंड उस दिन मैं कुछ ऐसे कन्वर्सेशन करी थी वो शायद आंटी, एंड फिर मैंने उनके साथ ऐसे बात करना शुरू कर दिया। वैसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, पर कई सिचुएशन में मुझे लगता है कि मुझे बात करने की ज़रूरत है। सो आंटी अकेली थी, कुछ शायद ज़रूरत होगी, तो मैं चली गई उनसे बात करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। फिर मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ से हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो फिर आंटी को मैंने बताया कि आप क्वेश्चन पूछना मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती हूँ, पावरफुल फील करना चाहती हूँ मे बी। सो मैंने आंटी से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आंटी ने बताया मुझे कि उनकी दो बेटियां हैं, एक वैनकूवर में रहती हैं, एक टोरंटो में रहती हैं। वो शायद एक बेटी के पास जा रही थी, वो टोरंटो से वैनकूवर जा रही थी, वो फ्लाइट उन्होंने वहाँ की कैच करनी थी। एंड देन आई सेड ओ वाओ नाइस, देन शी सेड कि मेरा एक बेटा भी था, उसकी डेथ हो गई। एंड फिर उन आंटी ने रोना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म का इंसान हूँ अगर आपको नहीं पता है, तो आंटी रो रही थी तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया। हस्बैंड शायद कॉफ़ी लेने के लिए गए होंगे। फिर आंटी को मैंने पूछा कि कैसे हुआ ये, वो आंटी रोती जा रही, मैं भी रोते जा रही। हस्बैंड जो तो आए कॉफ़ी लेके, तो उन्होंने देखा कि इन्हों क्यों हो गया, मैं भी रो रही, आंटी भी रो रही। फिर मैंने ना आंटी को तसल्ली दी कि आंटी इदा इदा की कर सकते हैं, यू नो आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई सी, पर मैंने समझ भी नहीं आया कि मैं आंटी का दुख कैसे शेयर कर सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि कितनी वड्डी पेन आ कि अगर आपका इकलौता बेटा चला गया, लाइक आई थिंक 20 ईयर्स का था, शायद एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई। मैंने बहुत ज़्यादा आंटी को कम्फर्ट किया, तसल्ली दी कि इदा इदा, थैंक गॉड कि तुहाडे को होर बच्चे आ, बेटियाँ वधिया सैटल आ, ऐसे मैंने आंटी के साथ बातचीत की। पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, पर या आंटी ने राइट बंदा चूज़ किया अपने दिल की गल करने ली। पर कई बार ऐदा हो सकता है कि कोई बंदा दूसरा जड़ा है, उन्हें पता सिचुएशन पता नहीं कि शायद वो भी दुखी होवे, या फिर वो इंटरेस्टेड ना हो, या फिर आपके इमोशंस को हर्ट कर दे, या आपकी उस लेवल पे आपकी चीज़ को ना समझे। मैं परफेक्ट जॉब की थी बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल माई सेल्फ। सो मैं आंटी ने बहुत तसल्ली दी थी। आंटी कह रही मैनू एंड ऑफ द डे आंटी चुप होगी, मैं भी चुप होगी। एंड देन सो आंटी ने एंड में कहा कि उन्हें मेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड शी सेड थैंक यू मेरे साथ बातचीत करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं है ना एकदम अपसेट सी, और पता नहीं तेरे सामने तुम्हारे सामने मैंने ऐसे कैसे रो दिया, वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ, पर मैं बहुत वीक होगी। सो पर या अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता जिसको इंटरेस्ट ना होता, या जो वो उतना यू नो इमोशनली वैसा फील नहीं करता, या फिर वो भी दुखी होता, या फिर वो बुरा रिएक्ट करता, इमोशंस हर्ट हो सकते थे, या ऐसे ओवर शेयर करने से कई बार सिचुएशन उल्टा पुल्टी हो सकती है, आप खुद भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, दूसरे को भी कर देते, क्योंकि दूसरे को पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट करें। सो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर आप ऐसा कभी करते हैं तो ना करें। एक और चीज़ है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को या अपने सक्सेस को किसी के साथ शेयर करते हैं, वो उनको क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उनके अंदर से कुछ यू नो खींच लेते हो, डरा देते हो उनको, क्योंकि उनको लगता है कि यार ज़िंदगी का, हम दोनों ने ज़िंदगी सेम समय पे शुरू की थी, या आपकी एज सेम हो सकती है, कि इसने कितना सक्सेस हासिल कर लिया और मैं पीछे रह गया, डर जाते हैं। और उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे आपको ड्रैग करें अपने लेवल पे, कैसे वो अपने आप को कंफर्ट करें कि कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा बैड फील होता है उनको ऐसी सिचुएशन में। सो आपको किसी को ऐसी सिचुएशन में क्यों डालना, अपने अपनी यू नो बढ़ाइयाँ करके, या अपने सक्सेस के बारे में, या आप कितने पैसे कमाते हैं, या आपके पास कौन सी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें शेयर करके। ऐसे में उनको आपसे काइंड ऑफ रिजेंटमेंट हो जाती है कि यार आपसे दूर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कल तक आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, अब वो आपको इतना इन्वाइट नहीं करते हैं, या आपसे इतनी बातचीत नहीं करते। आप सोचते रहेंगे
कि ऐसा क्यों है, पर एक्चुअल में आपका जो सक्सेस है या जो भी उनको दिख रहा है वो उनको डरा रहा है और अंदर से वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन में बंदा आपसे बात नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि आपने वो जो सर्कल है आउटग्रो कर लिया है, लाइक उनसे थोड़े डिफरेंट हो गए। आपको प्यारी दोस्तियां जो एक्चुअली दोस्ती है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, को नया सर्कल बनाने की जरूर से जरूरत है, जो बंदे आप ही के जैसा काम करते हैं या जो बंदे सेम फील्ड में है या जिनकी जिनका जर्नी सेम है या जो सेम डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। तो आपको नए सर्कल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे सेम जर्नी पे जाने के लिए, बूस्ट करेंगे, या फिर आपकी प्रॉब्लम सेम हो सकती है, या फिर वो आपसे जेलस नहीं होंगे क्योंकि उनके पास भी वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। सो ऐसे आपको पुरानी प्यारी क्यूट दोस्तियाँ मत छोड़ दें कि छड्डो यार आउट ग्रो हो गया। आपको पता होगा कि कड़ा दोस्त आपका चंगा है कड़ा माड़ा। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, अपने प्यारे क्यूट पुराने जो अच्छा नहीं कर रहे उन दोस्तों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और नेवर ना जाके कट ऑफ करना शुरू कर दो। सो ये जो दोस्ती है ये पैसे को लेके नहीं है कि उदे को तो जितना पैसा हो, ये माइंडसेट को लेके भी हो सकती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी है कि आपका इंटरेस्ट को लेके हो सकती है, कि अगर आपकी पेंटिंग की हॉबी है तो वो दोस्त उस एरिया से हो सकते हैं, यानी कि आपको एक एरिया के दोस्त को हर एक जिंदगी के हर एक पड़ाव पे लेके जाने की जरूरत है। कुछ आपके पेंटिंग वाले दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके स्पिरिचुअलिटी वाले दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके फील्ड वाले दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके हिसाब के दोस्त हो सकते हैं। मनी को मैं जज करना शुरू कर देना कि मेरे जिन्ना अमीर दोस्त चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एनर्जी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, सो ऐसे लोगों की एनर्जी अपने तक मत आने दें। उनकी जो ईवल आई एनर्जी है आपकी चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सो जितना आप चीजों को सीक्रेट रख सकते हैं उतना ज्यादा सीक्रेट रखें, वो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी एनर्जी के लिए भी अच्छा है, एंड उन लोगों के लिए भी अच्छा है। क्यों किसी को बुरा फील कराते हैं उनकी जिंदगी को लेके, वो कंपैरिजन करते हैं, फिर दुखी होते हैं कि यार सारा कुछ क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? वो सारे लोग जो आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी पोस्ट देखी आपको लाइक नहीं करते हैं, या फिर हर एक आपकी पोस्ट देखते हैं पर आपको फॉलो नहीं किया है, या फिर आपके घर के बहुत ज्यादा पास रहते हैं आपसे बात भी नहीं करते, ना ही कोई कभी चाह पे बुलाया, ना कभी आप खुद आए, वो आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं पर आपके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। अगर आप किसी की खुशी वाली स्टोरी देखते हैं और आप रिएक्ट नहीं कर सकते कि वाह बहुत अच्छा हुआ, सो वो इस किस्म के लोग हो सकते हैं। आई होप नाउ वो लोग कौन हैं आपकी जिंदगी में और आपको किसके साथ ओवर शेयर नहीं करना है और किसको चीजें बतानी है। प्राइवेट जिंदगी जीना इतना ज्यादा फ्रीइंग है कि आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जब आप शेयर करना चाहते हैं तो आप फेक भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप मिमिक करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों को। जब आपको किसी के साथ चीजें शेयर नहीं करनी है, प्राइवेटली रहना है, तो आप जैसे भी रहना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आप ट्रू सेल्फ बन के रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो ने आपको कोई नया ज्ञान दिया होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे आपको शेयर करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे लोगों को गोस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बार में जरूर से बताना है, अपनी प्यारी सी कोई टिप बताना और मुझे आपके साथ अपना कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं कि ओवर शेयर करके आपने एक बार मिस्टेक कर दी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. I love you guys so very much. Bye bye, Lalu.